आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास 3 बजे तलब किया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज शरीक होंगे। इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास आज होगा। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। वकार, बताएगा इस इजलास में क्या कुछ डिस्कस होगा और क्या प्लानिंग की जाएगी? जी बिल्कुल, जो रवा हफ्ते के शुरू से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं, उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा में दो जो एक सूबाई और एक मुश्तरक यानी कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार थे रेहान जेब, जो उनका कत्ल हुआ है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का गुज़श्ता रोज जो है वो नोटिस लिया था, तमाम उसके बाद जो है वो फौरी तौर पर इस पर इजलास जो है वो आज 3 बजे तलब किए गए हैं। दोनों जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, इसके अलावा जो आईजीज हैं उनको मदु किया गया है और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके नुमाइंदों को भी इस इजलास में जो है मदु किया गया है। जबकि चूंकि अब आम इंतखाबात के निकाद में चंद ही दिन बाकी है, तो इलेक्शन कमीशन को एक दफा फिर अपना जो सिक्योरिटी प्लान है उसको एक दफा रिव्यू करना है और जहाँ पे लूप होल्स हैं उसको एड्रेस करना है। इस मकसद के लिए जब ये इजलास तलब किया गया है और इसमें बड़े अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं, तमाम ये इजलास जो है वो आज 3 बजे जो है वो ठीक है, अहम फैसले मुतवक्के हैं। वकार, बहुत शुक्रिया आपका।